हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यम केक्स। मेरा नाम है ट्विंकल देवानी। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड वेलवेट क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग केक। सो यहाँ पे मैं अपना क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग रेडी कर रही हूँ। सो मैं मोस्टली है ना क्रीम चीज़ इनसाइड फिलिंग में ही यूज़ करती हूँ। मैं आउटसाइड में विप क्रीम ही फ्रॉस्टिंग करती हूँ बिकॉज क्रीम चीज़ टेक्स्चर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जो कि फाइनल फिनिशिंग में हमें प्रॉपर आता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको आउटर साइड में भी क्रीम चीज़ चाहिए तो आप डाल सकते हो, बट मैं इनसाइड में ही ज़्यादा डाल देती हूँ। ठीक है, तो आउटसाइड प्लेन रखूँगी तो भी जो भी इंसान बाइट करेगा इनसाइड की पेस्ट्रीज़ में, उनको क्रीम चीज़ का फ्लेवर बहुत उठ के आता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्रीम चीज़ ली है, कंडेंस मिल्क लिया है। आप चाहो तो आप आइसिंग शुगर ले सकते हो उसके बजाय, या फिर पाउडर शुगर ले सकते हो। मेरे पास कंडेंस मिल्क उस दिन बची हुई थी तो मैंने यूज़ कर ली आइसिंग शुगर डालने के बजाय, आई यूज़ कंडेंस मिल्क, चलता है, इसमें कोई ये नहीं है। अगर आप चाहो तो इसमें वनीला एसेंस डाल सकते हो। मैं इसमें वनीला एसेंस नहीं डालती हूँ बिकॉज मुझे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है क्रीम चीज़ का, तो जिसको अगर अवॉइड करना है तो आप वनीला एसेंस डाल सकते हो, नहीं तो फिर आप निगलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर अपना मार्केट में ना रेड वेलवेट का भी, या फिर रेड वेलवेट का एसेंस आता है, ठीक है, तो आप वो भी डाल सकते हो। बट ऑलरेडी हमारे पास नेचुरल है क्रीम चीज़, तो डालने की ज़रूरत है नहीं। सो यहाँ पे मेरा स्पॉन्ज रेडी है। सो अभी आपके हिसाब से, आपके पास जो रेसिपी है आप उस हिसाब से बनाओ। ठीक है, तो ट्रेडिशनली जो कि मैंने पहले भी वीडियो में समझाया है, बताया थोड़ा सा, ट्रेडिशनली जो रेड वेलवेट स्पॉन्ज बनते थे वो बीट रूट से बनते थे। ठीक है, उसके रेड कलर से ही वो बनते थे। अभी मॉडर्न में ज़्यादातर लोग कोको पाउडर, विनेगर, बटर मिल्क या फिर कर्ड यूज़ करते हैं एंड रेड कलर यूज़ करते हैं फूड कलर। सो आपके हिसाब से, आपके पास जो रेसिपी है, आपका कंडेंस मिल्क रेसिपी हो, ऑयल बेस्ड रेसिपी हो, बटर रेसिपी हो, आप आपके हिसाब से स्पॉन्ज बनाओ। ठीक है, एंड नॉर्मली हम फिलिंग्स करते जाएंगे। अगर आपको क्रंची देना है रेड वेलवेट के अंदर, आप वाइट चॉकलेट के चोको चिप्स इनसाइड डाल सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो रहने दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये नॉर्मल प्लेन ही होता है। किसी को क्रंची पसंद है तो उनके लिए वाइट चॉकलेट चोको चिप्स डाल दो। एंड यहाँ पे हम इसे फ्रॉस्टिंग करेंगे एंड इसको क्रम कोट करके रेफ्रिजरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन है वो एंटायरली रोजेट्स है। थोड़ा स्पॉन्ज हमने ऊपर का बचा के रखा था डोम वाला, बिकॉज हमें उसको क्रश करना है एंड उसे ऊपर टॉप करना है। ठीक है, रेड वेलवेट का ट्रेडिशनल ये होता है कि भाई स्पॉन्ज को हम लोग क्रश करेंगे एंड वो ऊपर रखेंगे। अभी हमारा रोजेट्स का डिज़ाइन है, नहीं तो ऊपर पूरा आ जाता था। ठीक है, एंड थोड़ा साइड्स में भी दिखता था। तो यहाँ पे क्रम कोट हो चुका है एंड अभी इसे फाइनल फ्रॉस्टिंग में ना, फिनिशिंग में मैं क्या करूँगी कि मैं सिर्फ ऊपर के ही एरियाज में मैं क्रीम डालूँगी, मैं साइड में क्रीम नहीं फिल करूँगी। रीज़न ये है क्योंकि साइड्स में वैसे भी रोजेट्स आने हैं, तो अगर हम साइड में भी फिनिशिंग करेंगे फिर हम रोजेट्स डालेंगे तो क्रीम क्रीम ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें जो बेकर्स हैं उनको तो पता है कि लाइक सिर्फ रोजेट्स बनाने में ही क्रीम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर क्रीम हम लोग ज़्यादा डालेंगे, ऊपर से फ्रॉस्टिंग का भी हमने फिनिशिंग दी है साइड में, तो डबल क्रीम हो जाएगा। फिर कस्टमर बोलेंगे यार क्रीम क्रीम भर के दे दिया, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसे क्रम कोट करेंगे वाइट कलर से ही, वाइट कलर क्रीम से ही क्रम कोट करेंगे, फिर उसको है ना हम लोग रोजेट्स बना दें। अभी मैंने ऊपर की फिनिशिंग की एंड अब मैंने साइड्स में रोजेट्स बनाने चालू कर दिए। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपको छोटे रोजेट्स बनाने हैं, बड़े रोजेट्स बनाने हैं, तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अराउंड थ्री या फोर लेयर्स की मैंने रोजेट्स बनाई। मैंने एक्सट्रीम मिनी नहीं बनाए बट मैंने मीडियम साइज़ की बनाई है। ये 1 kg का केक था इसीलिए। सो यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं विप क्रीम, वो नॉर्मल विप क्रीम यूज़ कर रहे हैं। गर्मी का सीज़न है तो आप उसमें आइसिंग शुगर डाल सकते हो, नॉर्मल पाउडर शुगर मत डालना। पाउडर शुगर डालोगे तो क्या होगा, क्रीम मेल्टी मेल्टी होगा। आइसिंग शुगर है ना उसमें कॉर्नफ्लोर रहता है। ठीक है, तो वो बेस्ट है, कभी भी आपको स्टिफ रखना हो थोड़ा क्रीम को, आइसिंग शुगर लो, बेस्ट है। एंड यहाँ पे हम अपर साइड की रोजेट्स कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे हम हमारा रोजेट्स अभी कंप्लीट करेंगे। तो क्या होता है ना, जब भी हम रोजेट्स बनाते हैं कहीं ना कहीं बीच में गैप्स में हमारा अपना है ना केक दिख जाता है। ठीक है, तो उसको कवर अप करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इसे पाइप करेंगे, जहाँ जहाँ है
सिर्फ एक पाइप प्रेस करो और छोड़ दो, ठीक है। तो वो डॉट हम लोग क्रिएट करेंगे ताकि वो फिल पूरा भरा भरा दिखे, ठीक है, कहीं गैप्स दिखे ना। देखो जैसे मैं अभी करी हूँ, प्रेस करी हूँ छोड़ी हूँ, प्रेस करी हूँ छोड़ रही हूँ, जहाँ जहाँ गैप्स छोटा छोटा कहीं पे भी दिख रहा है तो वहाँ पे। एंड इवन मैंने ऊपर थोड़े पाइपिंग कर दिए, जैसे मैंने ऊपर पाइपिंग किया वैसे ही मैंने साइड्स में डॉट डॉट्स डाले हैं, ठीक है। सो इसे हम अभी क्या करेंगे, ये हमारा केक रेडी है, ठीक है। हमने जो अभी रेड वेलवेट का स्पॉन्ज बचा था ना, उसको हम लोगों ने क्रश किया। आप चाहो तो आप छन्नी से भी आप शेक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरा ताज़ा था केक, तो मैंने उसे ड्राई नहीं किया एंड फिर मैंने उसको मिक्सर में चर्न नहीं किया। अगर आप अपना केक को ड्राई कर दोगे या रेफ्रिजरेट कर दोगे, उसके बाद आप चर्न करके फिर छन्नी से करोगे तो भी आपको चलेगा, ठीक है। बट मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने ऐसे ही उसे हाथों से क्रश किया एंड मैंने उसे डाला। अभी जो ये केक का लुक है ना, वो सेंटर में तो है, इवन हम रोजेज के ऊपर थोड़े छिड़केंगे, ठीक है, रेड वेलवेट क्रम्स, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा लाइक दूर से ही थोड़ा सा स्प्रे, अपना पानी का बॉटल का स्प्रे होता है ना हम लोग जो सोकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको मैंने थोड़ा ऊपर से स्प्रे किया। क्यों किया, क्योंकि है ना ये बाहर है, ये ड्राई हो जाएगा अगर हम लोग ऐसे ही रखेंगे तो, ठीक है। आई वॉन्टेड इट टू बी वेट। आप चाहो तो आप ये चीज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट मैंने थोड़ा कर दिया, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा किया, ठीक है। अभी जहाँ जहाँ रोजेट्स है उसके सेंटर में मैंने पोल्स डाले, ठीक है, गोल्डन पोल्स जो कि एडिबल है, तो इससे ये लुक बहुत प्रिटी लगता है। एंड इसके बाद मैं ना इसमें ना फुसफुस मारूंगी सिल्वर कलर का। अगर आपने परचेस नहीं किया है फुसफुस तो प्लीज़ परचेस करो, बिकॉज उससे लुक बहुत प्रिटी लगता है। इनकेस आप फ्यूचर में वेडिंग केक्स बना रहे हो, देन वो फुसफुस, सिल्वर फुसफुस इज़ द मेन की। उससे आपका वाइट केक या फिर कौन सा भी केक बहुत प्रिटी और बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, ठीक है। तो बाय गुड क्वालिटी वन। सो यहाँ पे ऊपर भी मैं पर्ल्स लगा रही हूँ एंड यहाँ पे अपना केक फिनिश होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये केक पसंद आया हो एंड छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने। सो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके कमेंट्स और आपके शेयर और सब्सक्राइब से हमें पता चलता है आपको हमारी केक्स कितने पसंद आते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।